हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टेक। दोस्तों, सीयूईटी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने सीयूईटी का एग्जाम दिया था उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। जितने भी स्टूडेंट्स लगातार क्वेरीज कर रहे थे कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा, तो दोस्तों आज फाइनली रिजल्ट आ चुका है। आप जाके चेक कर सकते हैं, और यदि आपने चेक कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप कट ऑफ के बारे में जानने की इच्छा जरूर रखते होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो लास्ट देखिएगा, उससे पहले यदि अपना चैनल पर चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी 2023 का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद यहाँ पर यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में नंबर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका निश्चित तौर से परसेंटाइल जो होना चाहिए वह परसेंटाइल 90 प्लस में रहना चाहिए। 90 प्लस यदि परसेंटाइल है तो आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहां पे आपका जो है यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। और यदि बात करते हैं लेटरल एंट्री में बीटेक के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं लेटरल एंट्री में ट्रिपल एम में या फिर HBTU या फिर AKTU में, जितने भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं कि यहाँ पे एडमिशन उनको लेना है, तो दोस्तों उनको यहाँ पे स्पेशली कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर शेयर करना है कि उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है। क्योंकि यहाँ पर यदि स्टूडेंट्स नंबर शेयर करेंगे तो उससे सही तरीके से अंदाजा लग पाएगा कि आखिर स्टूडेंट्स का नंबर कितना के बीच में है और इनको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर सीट की संख्या बहुत कम रखी जाती है। आपको पता है HBTU में केवल 3 सीट है जो है कंप्यूटर ब्रांच का, CES का, और केवल 3 सीट ही जो है आपको IT का देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से ट्रिपल एम में भी 15 सीट के लगभग CES का देखने को मिल जाता है, और सब अन्य सीट है, लेकिन जो CES ब्रांच रहता है वह डिमांडिंग ब्रांच रहता है। और AKTU में भी यही हाल रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको अपना नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी यहाँ पे जिनका भी परसेंटाइल 90 प्लस होगा वे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर तभी होगा जब अधिक से स्टूडेंट्स अधिक से अधिक लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है नंबर शेयर करेंगे। ठीक है ना, आपका कितना नंबर है आपको जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो सक्रिय फिर लेकर जय हिंद जय भारत।